संजय रॉय के दिमाग का भी आज टेस्ट हो सकता है। एक दिन पहले भी आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि दिमाग का टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के जरिए सीबीआई का मकसद आरोपी की मानसिक स्थिति और इस वारदात में कितने लोग शामिल थे ये पता लगाना है। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ये टेस्ट कर रखी है जिसमें 5 डॉक्टर्स शामिल हैं। उधर मृतक डॉक्टर के माता पिता का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अब तक की गई कार्रवाई से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होने की बात कहते हुए नजर आए। इंक्वायरी चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है, इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख हो गया, दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश? अभी तो नाखुशी है दादा, ये खुशी थी और कुछ बोलते पारो ना दीजिए, हमें पार्टी ना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बर्बरता मामले में सीबीआई गुनहगारों की गर्दन तक पहुंचने के लिए हर तरीका अपना रखी है। सीबीआई की टीम ने रविवार को अस्पताल में वारदात वाली जगह पर 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई की टीम ने 3D मैपिंग क्षमता वाली विशेष लेजर स्कैनर मशीनों से इमरजेंसी वार्ड का कोना कोना कैप्चर किया। तो वही कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त यानी कि मंगलवार यानी कि कल जो है पूरे मामले में कोलकाता केस को लेकर सुनवाई होगी और इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी। बेंच में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं।